एडिनलाइन हो गया, नोरएडिनलाइन हो गया, ये दवाएं बीपी को बढ़ाने के काम में आती है। डोपामिन भी बीपी बढ़ाने के ही काम में आती है। मोटापा भी एक कारण है बीपी बढ़ने का, इसलिए मोटे होना भी एक बड़ा बीमारी है। अल्कोहल को सेवन नहीं करें, इतना अधिक से अधिक हो डाइट में लिक्विड डाइट का सेवन। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको बीपी यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। आजकल ये बीमारी बहुत ही कॉमन हो गया है, तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपको कि बीपी क्या होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे इसको हम नॉर्मल कर सकते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, बढ़ने से क्या क्या आपको हानि होगी, घटने से क्या क्या आपको हानि होगी, क्या क्या दवा चलाएंगे, क्या क्या खान पान करना है इसमें, और क्या क्या इसका एक्सरसाइज करेंगे और क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो को फुल देखिए तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर यानी कि जो आपका हार्ट ब्लड को पंपिंग करके आगे तरफ भेजती है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगर इसको हम डिफाइन करें तो एक वर्ड में समाप्त करेंगे, द लेटरल प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द इंटरनल आर्टेरियल वॉल, यानी कि जो आर्टरी के अंदर की दीवार होता है इसके ऊपर में ब्लड का लेटरल प्रेशर लगना, इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मली आप स्फिग्मोमैनोमीटर यानी कि देख सकते हैं, ये स्फिग्मोमैनोमीटर और ये हो गया आपको स्टेथोस्कोप। तो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा बीपी को आप माप सकते हैं। नॉर्मल बीपी का जो रेंज होता है वो 120/80 mmHg मिलीमीटर पारा के बराबर होता है। तो अगर आपका बीपी 140/90 से ऊपर हो जाए तो इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी कि बीपी बढ़ा हुआ है। अगर आपका बीपी 100/60 mmHg आपका होता है तो इसे हम बोलेंगे लो बीपी, या इसी को हम हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो हाइपरटेंशन वाला केस में क्या होता है, शरीर में गर्मी लगना, गुस्सा आना, शरीर से पसीना निकलना, बॉडी डिहाइड्रेट रहना, हार्ट बीट का तेज हो जाना, रेस्पिरेशन का बढ़ जाना, बॉडी में हेमरेज भी हो सकता है बीपी बढ़ने से। और बीपी घटने से यानी हाइपोटेंशन में अगर आपका बीपी 100/60 हो जाए तो आपका बॉडी का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाएगा, आप चक्कर खा के गिर जाएंगे, आपको वीकनेस टाइप का फील होगा। अब बात करेंगे हम कि बीपी बढ़ता क्यों है। अगर आपकी खान पान प्रॉपर नहीं है, जैसे आप अधिक तेल मसाले वाला चीज का सेवन कर रहे हैं, घी रिफाइनरी चीज का अधिक सेवन कर रहे हैं, नॉन वेज का सेवन अधिक कर रहे हैं आप, तो आपका बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड है उसमें फैट की मात्रा बढ़ने लगता है। और जब फैट बढ़ता है तो वो फैट कहीं ना कहीं आर्टरी में जमा होता है और या फिर आपका इंटेस्टाइन के बाहरी लेयर में जमा होता है। तो अगर वो फैट आर्टरी में जमा होगा तो मोस्टली हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी, तो कोरोनरी आर्टरी कहीं ब्लॉकेज किया तो हार्ट का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और आपको बीपी बढ़ने की समस्या देखने को मिलता है। खाते पीते हैं मटन वगैरह जो भी कुछ खाते हैं फैट वाला चीज, तो खा करके आप सो जाते हैं, बैठते हैं कुर्सी पर, तो इस कारण से आप में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप खा करके और मॉर्निंग टाइम में आप एक्सरसाइज करें, रनिंग करें थोड़ा देर के, मोटापा भी एक कारण है बीपी बढ़ने का, इसलिए मोटे होना भी एक बड़ा बीमारी है। कि जब बीपी जब बढ़ता हो तो इसके लिए दवा अलग चलता है, इसको हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं। तो अगर बीपी बढ़ता है तो आपको देना है दवा, जिसमें आपका बीटा ब्लॉकर हो गया, एसीई इनहिबिट अल्फा ब्लॉकर हो गया, आपका सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, भेजो डायलेटर ड्रग्स हो गया, डायबिटिक ड्रग्स। हाइपरटेंसिव ड्रग्स का एक अलग ही वीडियो बनाएंगे जो आपको हम आगे ग्रुप में डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन कुछ दवा फिलहाल कॉमनली यूज करने के लिए आप उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन 5 mg देने से आपका बीपी जो होता है वो आगे, फ्यूरोसेमाइड भी दे सकते हैं, इसमें कि आपका डायबिटिक ड्रग जो यूरिन को पास करेगा बॉडी में, से ब्लड वाटर की वॉल्यूम घटता है तो बीपी आपका लो होने लगता है। अगर बीपी घट जाए तो उस केस में हम दवा दे सकते हैं, जैसे कि एट्रोपिन हो गया, एडिनलाइन हो गया, नोरएडिनलाइन हो गया, ये दवाएं बीपी को बढ़ाने के काम में आती है। डोपामिन भी बीपी बढ़ाने के ही काम में आती है, इसको दी जा सकती है अगर किसी का बीपी लो हुआ तब। घरेलू उपाय में बीपी बढ़ाने के लिए नमक चीनी पानी का घोल भी देने से बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि बीपी में बढ़ने में सोडियम जो नमक में है वो रोल प्ले करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराता है सोडियम। खाना में नमक की मात्रा कम कर देना है, बीपी इसका बढ़ा हुआ हो उसके लिए नॉनवेज का सेवन कम कर दें, मांस मटन अंडे इसका सेवन कम कर दें, मसालेदार भोजन का यूज कम कर दें, तेल घी वाला चीज बहुत कम से कम खाएं और लॉन्ग टाइम तक आप भूखे नहीं रहें। अब खाना क्या है, आपको अधिक से अधिक फ्रूट्स का सेवन करना है, इसमें कि संतरा हो गया, पिस्ता बादाम हो गया, इसमें आपको जूस हो गया करेले का, संतरे का जूस ले सकते हैं आप, नट्स ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी चले आप ले सकते हैं। और आलू की चीज का सेवन कम करना है, आपको रोटी और हरी साग सब्जियों पर ध्यान अधिक देना है। अल्कोहल को सेवन नहीं करें, इतना अधिक से अधिक हो डाइट में लिक्विड डाइट का सेवन करें, उनके लिए बेनिफिट होगा।
अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज में सबसे बड़ा एक्सरसाइज जो है वो रनिंग है। 5 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी और आपका हार्ट एक्टिव रहेगा, क्योंकि हार्ट आपके बॉडी का चीफ ऑर्गन है। आपका हार्ट अगर किसी भी पार्ट को ब्लड नहीं देता है तो आपका ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन्स वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए हार्ट के साथ में छिड़खानी मत करिए। हार्ट आपका जिंदा है तो आप जिंदा हैं। हार्ट आपका 24 घंटा वर्क करता है, चाहे आप सोए रहें, उठे रहें, जागे रहें, या आप कहीं रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, खा रहे हो, पिए हो, कुछ भी काम करते हैं, आपका हार्ट चलते रहता है। इसलिए हार्ट को सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन कहा गया, बिजीएस्ट ऑर्गन, सबसे बिजी। तो हार्ट के साथ छिड़खानी नहीं करें, जितना अधिक से अधिक हो उसको आप हेल्दी रखने में हेल्प करें। स्किपिंग करिए, जैसे कि ये रस्सी कूद, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको जॉगिंग करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करें जिसमें कि एक जगह पे खा रहा है कि दौड़ना। आपका जो ट्रेडमिल हो गया, ट्रेडमिल पर भी रनिंग कर सकते हैं, वो भी आपका हार्ट का हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ एक्सरसाइज भी है जिसको आप ये सब करके आप मैनेज कर सकते हैं, डाइट भी। तो आज हम बताए हैं बीपी बढ़ने के कारण, बीपी घटने के कारण, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कितना नॉर्मल रेंज है, और क्या क्या दवा चल सकती है, क्या क्या खाना पीना, एक्सरसाइज करना है। और भी कुछ जानना आपको हो तो आप वीडियो में कमेंट करिए और बताइए कि क्या ये जानकारी अच्छी लगी। और भी इसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा आगे, जिसमें कि बताऊंगा मैं कि कौन कौन सा टेस्ट करेंगे बीपी बढ़ने के लिए, और बीपी बढ़ने के बाद में आपको क्या क्या दवा लेना है, वो हम अगले वीडियो। फिलहाल आज हम यही वीडियो को रोकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।